इफ्तार के बाद जैसे ही हमें पता लगा चांद दिख गया है तो हम लोग बहुत खुश हुए, थोड़ा गम भी हो रहा था क्योंकि अब रमजान जा चुके हैं और हमें मार्केट जाना था। मार्केट गए, सबसे पहले हमें बनाना था थ्रेडिंग, तो हमने थ्रेडिंग करवाया। मार्केट में भाभी को एक सूट दिलवाना था क्योंकि उनका एक सूट रह रहा था, वो लेना जरूरी था, तो हमने कुछ शॉप्स वगैरह देखी। सूट जाके हमें पसंद आया, वो हमने पैक करा ली थी, तो हम दोनों ने फिर जूस घर आए। तो यहाँ पर चिकन फ्राई हुआ हुआ था और अम्मी यहाँ पर कल के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो बस हमने अम्मी के साथ हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया वगैरह के लिए। दूध वगैरह पहले ही बॉइल कर दिया मैंने, सबसे पहले चाय पी और यहाँ पर स्किन की प्रिपरेशन भी चल रही थी कल के लिए। चांद रात पे जब तक ये सारी चीजें ना हो ना, हमारी चांद रात की तैयारियां होती नहीं है। लगा लिया था और मेरा कुछ हो ही नहीं पाया था। यहाँ पर हमने न्यू कर्टेन डाला किचन में, मेहंदी तो यार अभी तक मुझे लगी नहीं पा रही, थोड़ा सा स्किन को थोड़ा सा ठीक करती हूँ, स्क्रब वगैरह किया और फेस पैक वगैरह मैंने लगा लिया क्योंकि थोड़ा टाइम बचा था। तब तक इकरा अपने मेहंदी लगा रही थी, स्किन की थोड़ी ख्याल कम रख पा रही थी, तो आज स्किन काफी सही लग रही थी। सिवैयों के लिए यहाँ पर ना सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी और मैं अम्मी के भी यहाँ पर फेस पैक लगा रही थी, अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी और मैं कब से वेट कर रही थी, 2:30 बज गया था, तो फाइनली इस बार भी मेरे हाथ में मेहंदी लगी नहीं पाई।